हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, बिजनेस डेटा एंड वेयर हाउसिंग का सब्जेक्ट चल रहा है, बिजनेस डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। अच्छा, डेटा माइनिंग से याद आया एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर, पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग के टूल्स पूछे, वेका, ओरेंज, सेस। अब ये क्या होता है, डेटा माइनिंग के ऊपर ऑलरेडी थोरोली बात कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था फिफ्थ में, शायद मैंने थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हुई या मेरे समझने में दिक्कत आई, वो वेब माइनिंग का क्वेश्चन था, मैंने डेटा माइनिंग बोल दिया। देखो, होता तो दोनों माइनिंग ही है, दोनों के अंदर आंसर भी सेम है। वेब माइनिंग के अंदर हम वेब डेटा का एनालिटिक कर रहे होते हैं और डेटा माइनिंग में केवल डेटा एनालिटिक्स कर रहे होते हैं। वेब माइनिंग में हम किसी वेबसाइट पे आने वाले डेटा, उसका यूजर इंटरेक्शन, उसका टाइमिंग, इनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, और जबकि डेटा माइनिंग के अंदर भी हम इन्हीं चीजों की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो दोनों के अंदर आंसर ओवरलैप, यानी कि आंसर जो दिया गया है वो सही है। अगर आप डेटा माइनिंग या वेब डेटा माइनिंग लिखोगे, केवल वेब का ही फर्क है। वेब डेटा माइनिंग क्या, वेब से अवेलेबल सोर्सेज से जो डेटा माइनिंग करा जाए, वो डेटा उसके ट्रेंड का पता लगा जाए, उसके इनसाइट का पता लगा जाए या उसके हिडन पैटर्न का पता लगा जाए, वो डेटा माइनिंग हो गया, वेब डेटा माइनिंग हो गया, है ना। और अगर नॉर्मल सारे सोर्सेज से, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी न्यूज़पेपर से ले लिया जाए, तो वो डेटा माइनिंग हो गया। तो केवल वेब का फर्क है, बाकी इतना ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आई। फिर भी मेरी ओर से जो गलती हुई है उसके लिए कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आगे एट क्वेश्चन पे अपन हमला बोलते हैं, डेटा माइनिंग क्या है। अब डेटा माइनिंग ऑलरेडी अपन ने खूब सारी इसके ऊपर बातें कर ली है, तो इसको यहाँ छोड़ेंगे कि एप्लीकेशन कहां कहां होते हैं, जहां भी डिसीजन लेना पड़ता है वहां डेटा माइनिंग यूज होता है। डेटा माइनिंग क्या है, हमको डेटा के इनसाइट का बारे में देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डेटा माइनिंग कहां कहां हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन में, सिक्योरिटी में, डिसीजन मेकिंग में। अब डिसीजन मेकिंग कहां होगा, ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल, है ना, हेल्थ केयर, कस्टमर रिलेशनशिप, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी डिपार्टमेंट का आपको नाम याद आएगा वहां पर डेटा माइनिंग यूज होता है। अब इसके टूल्स क्या है, वेका है। वेका क्या है, एक ओपन सोर्स साइट है जो अवेलेबल कराती है, जैसे स्मर्श है, अशरफ है, गूगल ट्रेंड्स हैं, ये सब डेटा माइनिंग के टूल्स हैं। तो ऑरेंज है, सेस है, ये पावरफुल कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, कुछ फ्री हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं। तो अधिकतर वेका है, KNIME है, किम्न है, ये भी ओपन सोर्स है, ये सारे वैसे अधिकतर ओपन सोर्स रहते हैं। इनका सेस थोड़ा सा कॉमर्शियल वर्जन है, बाकी रैपिड माइनर है। ये सब का काम डेटा का एनालिसिस करके उसका इनसाइट बताना ही होता है। अब ये केवल इन प्लेटफॉर्म्स के नाम है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया वेका को एक्सप्लेन करो, तो वेका को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना है इज इज़ अ डेटा माइनिंग टूल, ओपन सोर्स टूल, एंड इट्स यूज़र फ्रेंडली। हर वेबसाइट के अंदर आप लिख देना ये यूज़र फ्रेंडली, हर एप्लीकेशन के अंदर लिख देना यूज़र फ्रेंडली है। कुछ ही लिमिटेड हैं जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और वो भी क्लेम तो यही करते हैं कि हम यूज़र फ्रेंडली हैं, है ना। जैसे उबंटू करके एक आता है, उबंटू करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो भी क्लेम यही करता है कि वो यूज़र फ्रेंडली है ना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो भी ये क्लेम करता है वो यूज़र फ्रेंडली, और साइंटिफिक टूल्स के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है ना। लिनक्स के ऊपर हाई एंड के जो एप्लीकेशन होते हैं वो ईजिली चल जाते हैं, अदर देन जो विंडोज सपोर्ट नहीं कर पाते, तो डिपेंड करता है ना। बट कौन सा इजी है, हम सबको पता है कि विंडोज़ ज़्यादा इजी है, बट ये सब में जब थ्योरेटिकल लिखना होता है तो यूज़र फ्रेंडली होता है, वर्क फ्लो कर देते हैं, कोडिंग लाइब्रेरी है इनके पास, इंटरफेस इजी है, डेटा माइनिंग की प्रोसेस बिजनेस के लिए इजी होता है, रैपिड माइनर है, ऑरेंज, सबके कुछ ना कुछ इफ एंड बट हैं, लेकिन आपको केवल नाम, तीन चार जो चीज़ें हैं कॉमन वही लिखना है। अब कौन सा टूल हमको लेना चाहिए, हमारे साइज, हमारी बजट, हमारी कॉस्ट और हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें करते हैं, और टेक्निकल एक्सपर्टिस, क्योंकि सेस जो है वो थोड़ा अपर में आ जाता है, केवल इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर आपको एक बार और इनको सीखना भी है, तो एक बार ये सारे नाम आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनकी वेबसाइट पे जाइए, एक बार इसका इंटरफेस देख लीजिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा राइटिंग में, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।